आदरणीय सभापति जी, कोई भी जब सरकार में आता है तो देश के लिए कुछ करने के वादे करके आता है, जनता का कुछ भला करने के वादे करके आता है, लेकिन सिर्फ भावनाएं व्यक्त करने से बात बनती नहीं है। आप कह देंगे हम ऐसा चाहते हैं, हम ऐसा चाहते हैं, जैसे कभी कहा जाता था गरीबी हटाओ, चार चार दशक हो गए हैं, हुआ कुछ नहीं। इसलिए विकास की गति क्या है, विकास की नीयत क्या है, विकास की दिशा क्या है, विकास का प्रयास क्या है, परिणाम क्या है, ये बहुत मायने रखता है। सिर्फ आप कहते रहे कि हम भी कुछ करते थे, इतने से बात बनती नहीं है। आदरणीय सभापति जी, जबकि हम जनता को उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर, उनकी आवश्यकताओं, और जब जनता की इतनी बड़ी आवश्यकताओं के लिए मेहनत करते हैं तो हम पर दबाव भी बढ़ता है, हमें मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है, हमें परिश्रम भी ज्यादा करना पड़ता है। लेकिन हमने, जैसे महात्मा गांधी जी कहते थे, श्रेय और प्रेय, हमने श्रेय का रास्ता चुना है, प्रिय लग जाए आराम कर ले, वो रास्ता हमने नहीं चुना है। मेहनत करनी पड़ेगी तो करेंगे, दिन रात खपाना पड़ेगा तो खपाएंगे, लेकिन जनता जनार्दन के एस्पिरेशन को चोट नहीं पहुंचने देंगे, और उसके एस्पिरेशन सिद्धियों में परिवर्तित हो जाए और देश विकास की यात्रा को पार करे, इसके लिए हम काम करते रहेंगे। इन सपनों को लेकर के चलने वाले हम लोग हैं, और हमने वो करके दिखाया।